नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वरुण कुमार गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं एसेट उस्ताद यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ चांदनी चौक में एक 3 BHK अपार्टमेंट, और जो अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा ही आपको मिलने वाला है डायमेंशन वाइज, ठीक है? क्योंकि ये एक सैम्पल यूनिट दिखाने वाला हूँ, तो एग्जैक्टली जो आपको फ्लैट मिलेगा सेम वैसा मिलेगा, तो आप डायमेंशन के हिसाब से समझ सकते हो। लोकेशन चांदनी चौक को मैं बताऊँ तो कितना अच्छा है वो वीडियो में हम लोग चल के देखेंगे, बट हाँ, जो कोथरूड आपका एक एरिया है, कोथरूड से काफ़ी नज़दीक है, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, कोथरूड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये प्रोजेक्ट मिल रहा है और प्राइस काफ़ी कम। जो कोथरूड में 1 BHK की कीमत है, 1 BHK तो शायद थोड़ा कम हो जाएगा, 2 BHK की कीमत है, उस प्राइस में या उससे भी कम प्राइस में आपको 3 BHK चांदनी चौक में मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंट्रेंस पर इस तरीके की डोर मिल जाती है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, डिजिटल लॉक के साथ, एंड जैसे अंदर आते हैं ये है आपके फ्लैट के अंदर की एंट्रेंस लॉबी। एग्जैक्टली इसकी साइज आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगी, एंड जैसे मैं आगे आता हूँ ये है आपकी सिर्फ और सिर्फ लिविंग स्पेस। अब देख लो है कैसा लिविंग स्पेस है आपका, ये पूरा आपके सोफा, सेंटर टेबल, टेलीविजन या कुछ और जो भी आप घर में इंटीरियर करना चाहते हो आप यहाँ पे पूरा कर सकते हो। जैसा देख रहे हो वैसा ही आपको आने वाला है। लिविंग मैंने आपको दिखाया है, अब मैं बात करूंगा डाइनिंग की। तो ये देखो पूरा डाइनिंग स्पेस, आप यहाँ पे 6 से 8 लोगों की डाइनिंग स्पेस बना सकते हो, 8 लोगों की मैक्सिमम, ठीक है? इतना अच्छा खासा स्पेस है और थोड़ा सा और भी स्पेस आपको बचेगा स्टोरेज के लिए, तो इतना अच्छा खासा आपका डाइनिंग स्पेस बन जा रहा है। टाइल्स भी आपने देखी। इसके साथ मैं लिविंग के साथ आपको दिखाऊंगा आपकी बालकनी कैसे आएगी। हाँ, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप जैसे एक्सेस करते हो बालकनी में तो आपकी जो स्लाइडिंग डोर है क्वालिटी अच्छी है, ठीक है? तो ये क्वालिटी की आपकी बालकनी, आप जैसे देखेंगे इधर ग्लासेस के बारे में तो बहुत अच्छी क्वालिटी दी गई है, नीचे आप देखोगे तो अच्छी खासी साइज आपको दे दी गई है, ऊपर से इनक्लोज है, प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे आ रहे हैं आपका टफन ग्लास, क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस तरीके की रेलिंग आ रही है। स्पेस देखो, 1131 का कारपेट है, 3 BHK का। आप मुझे कहोगे कि ये शायद आप बोल रहे हो 1131 का नहीं है, 1250-1300 का कारपेट है, आप शायद ये ऐसा महसूस कर सकते हो। अभी मैं दिखाऊंगा आपका किचन, तो ये है आपका किचन स्पेस लाइक दिस, अच्छी खासी साइज। इंपॉर्टेंट चीज आपकी है किचन के पास जो आपका प्लेटफॉर्म है उसकी चौड़ाई देखो आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे स्टोरेज पर्पज से आपको यू नो क्लोज कैबिनेट्स दे दिए गए हैं, ऊपर क्लोज कैबिनेट्स मिला है आपको स्टोरेज पर्पज से। ये जो स्पेस है यहाँ पे आपकी आ जाएगी आपकी रेफ्रिजरेटर, ठीक है? अच्छी खासी स्पेस है। इसके साथ आपको आ जाती है आपकी ड्राई स्पेस, या तो यू कहूँ यूटिलिटी सेक्शन, ड्राई बालकनी। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी एक वॉशिंग मशीन, पॉइंट एंड टैप्स मिल जाएंगे, एंड ये पूरा ओपन रहने वाला है। और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है एंडी हिल, मतलब काफ़ी ऐसा स्पेस आपको मिलेगा जहाँ पे आगे कुछ बनना ही नहीं है, ठीक है? तो आपका व्यू जो है ना ख़राब नहीं होगा। आपको मैंने दिखाया है, आपको ये डाइनिंग दिखा दिया, लिविंग दिखा दिया, और ये है 3 BHK अपार्टमेंट। तो अब हम बात करेंगे आपके फर्स्ट बेडरूम की, एंड दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम, प्लीज कम। ये है आपका पहला बेडरूम जहां पे आपको फ्लोर टू सीलिंग हाइट बहुत अच्छी लग रही होगी, ठीक है? आपके स्लाइडिंग डोर आप देख सकते हैं, बाहर से जो एलिवेशन बनेगा आपका एक अच्छा खासा एलिवेशन बनने वाला है, और ये फुल्ली होम ऑटोमेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है? आप जस्ट इसको अपने यू नो फिंगर टिप से आप इसको पूरा लाइट, फैन, AC जो भी है, कर्टन, वो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। होम ऑटोमेशन के साथ आपको ये मिलने वाला है। इसकी साइज एग्जैक्टली आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। अब मैं दिखा दूं इसके सामने का कॉमन वॉशरूम, प्लीज कम। अब जस्ट इसके साइज पे हमारे वीडियो के माध्यम से आप जस्ट साइज पे थोड़ा सा गौर करिएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो में, ठीक है? मुझे तो अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो चौड़ाई बहुत अच्छी लग रही है, लंबाई बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे आ रही है आपकी शावर सेक्शन, यहाँ पे कमोड, वॉश मशीन, एक स्लैब दिया गया है, तो स्टोरेज बना सकते हैं, एंड काफी स्पेशियस लग रहा है। वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज, एग्जॉस्ट के प्रोविजन दे दिए गए हैं, टाइल्स ऊपर तक है तो सीलिंग की समस्या नहीं होगी, ठीक है? ये है आपका कॉमन वॉशरूम, एंड दिस इज योर सेकंड बेडरूम। देखिए कॉमन वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, ये है आपका सेकंड बेडरूम, इधर आता है आपका थर्ड बेडरूम। तो अभी हम चलते हैं सेकंड बेडरूम में, प्लीज कम आइए। ये है आपका सेकंड बेडरूम जहां पे
आपको एक क्रॉस में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपकी साइज कैसी है वीडियो के माध्यम से। जस्ट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हाँ ये है ऐसा बेडरूम आने वाला है। साइज ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हो इसकी एग्जैक्टली साइज 14x11.11 की है। लेकिन वीडियो में आप देखो आप कैसा आप फील कर पा रहे हो साइज को लेके। देखो पॉइंट्स उधर भी दे दिए गए हैं, इधर भी दे दिए गए हैं, आगे भी दे दिए गए हैं, तो आप कहीं पे भी ना आपकी बेड की प्लेसिंग कर सकते हो, वो आप अपने वास्तु के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया पूरा जो ये अपार्टमेंट है ये आपका होम ऑटोमेशन के साथ आ रही है। अभी मैं दिखाऊं इसका अटैच बालकनी कैसा है, तो ये है आपका अटैच बालकनी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर से इनक्लोज्ड है विथ, आपको अच्छा खासा मतलब आपको प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यहाँ पे आराम से 2 से 4 जने आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपना व्यतीत कर सकते हैं। टफन ग्लास आ रही है, लगभग 14 से 15 mm की ग्लासेस हैं एंड इस तरीके की रेलिंग है। क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्क्रीन पे इसकी साइज आपको आ जाएगी। अभी हम चलेंगे आपके अटैच वॉशरूम में, तो प्लीज़ कम देखिए। ये है आपका अटैच वॉशरूम, ये है आपका अटैच वॉशरूम, ठीक है। जहां पे अगर आप देखते हो तो मैं बात करूंगा आपकी इसकी चौड़ाई और लंबाई की, बहुत ज्यादा अच्छी है। जो आपने कॉमन वॉशरूम देखा वहां पे टाइल कलर टेक्सचर अलग थे, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे आपको आ जाते हैं वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज एग्जॉस्ट के प्रोविजन, टाइल्स ऊपर तक है, वेट एंड ड्राई एरिया को अलग कर दिया गया है। ये है आपकी शावर सेक्शन, कमोड, वॉश बेसिन। चीजें जो लग रही है ना, मैं आपको बताऊं चीजें जो लग रही है ना, फिटिंग सारे प्रीमियम है। फिटिंग्स के बारे में आप मुझे कॉल कर लो या विजिट कर लो, आइडिया आ जाएगा। बट ये ज्यादा अच्छा क्यों रहता है, रीजन ऐसा है ना कि जहां पे आपको शो यूनिट रहता है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं है आपके साइजेस को लेके। एनी और शो यूनिट का भी अलग ही बेनिफिट है मैं आपको अगर बताऊं तो, क्योंकि वहां पे चीजें भी आपको रखी रहती है, फर्नीचर। ये है आपका थर्ड बेडरूम बाय द वे, तो थर्ड बेडरूम में आपने आ गए, आपने देखा यहाँ पे क्रॉस में मैं यहाँ पे भी खड़ा रहूंगा ताकि आपको साइज का प्रॉब्लम ना हो, समझ में आए। और ये एग्जैक्टली जो साइज इसकी 10x12 की साइज है, फ्लोर टू सीलिंग हाइट आपको काफी अच्छी मिल रही है। पॉइंट्स देखिए वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आप बेड की प्लेसिंग कर सकते हो आप बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे आ रही है आपकी जो विंडोज है वेंटिलेशन पर्पज से, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला मूव कर सकते हो आप अपने तरीके से। बाहर से इसका भी व्यू काफी प्यारा आने वाला है। अभी हम चलेंगे इसका अटैच वॉशरूम में, प्लीज कम। ये इसका अटैच वॉशरूम, अगेन चौड़ाई काफी अच्छी है, अगेन टाइल्स के कलर टेक्सचर अलग है एज कम्पेयर टू सेकंड अटैच वॉशरूम के साथ एंड कॉमन वॉशरूम के साथ। यहाँ पे आ रही है आपकी शावर सेक्शन, कमोड, वॉश बेसिन, एक स्लैब है तो नीचे स्टोरेज बना सकते हो, वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज एग्जॉस्ट के प्रोविजन एंड ये स्पेसियस है। देखो ये जो छोटी छोटी चीजें दी गई ना ये काफी अच्छी हो जाती है, मतलब यहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो रख ही सकते हो। 3 BHK यूनिट है, अगर आप कोथरूड के आसपास भी देख रहे हो कोई अपार्टमेंट तो ये अच्छा हो जाता है कि कोथरूड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये मिल जा रहा है। ये प्राइस इसका है 1,42,00,000 रुपये। मैं फ्रेंकली बताऊं अभी मेरे कुछ कलीग ने बताया 1 BHK कोथरूड में 90 लाख का है स्टैंड अलोन में, जहाँ पे लिफ्ट नहीं है। यहाँ पे सारी एमिनिटीज आपको मिल रही है, सारी लाइफ स्टाइल एमिनिटीज मिल रही है, क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो होनी चाहिए वो सारी चीजें मिल रही है। फिर भी इसका 3 BHK का जो प्राइस है सिर्फ 1,42,00,000 रुपये और कारपेट है 1,132 होम ऑटोमेशन के साथ। आप आकर विजिट करो, अगर आप कोथरूड देख रहे हो तो यहाँ पे आके एक बार प्लीज विजिट करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।